कार्तिक महात्म अध्याय 14। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसीलिए संतान की वृद्धि करने वाला तथा सब प्रकार के सुख देने वाला सर्व ईश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा तथा महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण, वेदहीन, क्षत्रिय, असमर्थ तथा वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायकाल अहोई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपें। द्वार पर चार रंग, काला, पीला या लाल से मेरी मूर्ति बनावें। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरे संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुमारिन तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी की कथनानुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुनि, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है, वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने किया था और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को दिया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उनके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान हैं, इसीलिए मंत्रों वेदों को हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचारा तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादिक सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु के शरण में गए और उनको जगाने के लिए नमस्कार कर सब सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे, परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे, अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के समान फल मिलेगा। और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, अतः सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय हैं। इतना कहकर भगवान मच्छ यानी मछली का रूप धारण कर
विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजुली में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। तब मत्स्य अवतार भगवान शंकासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। यहां आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंकासुर को मार दिया है, साथ ही ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र से वेदों को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष और स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तत्पश्चात ब्रह्मादिक देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किया। तब प्रयागराज तीर्थराज कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।